कल शाम को आदिल को मैं मिली थी पुलिस चौकी में। गए थे आप? मिले थे? हाँ, उनको कुछ कपड़े चाहिए थे तो मैंने जाके, मेरे घर में थे तो मैंने दे दिए। अब इतना तो कर ही सकती हूँ मैं ना, हालांकि मैं नहीं मिलना चाह रही थी पर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं मिली हूँ। कुछ बोले क्या नहीं फिर आपको? हाँ बोले ना, वो आपने आप भी थी बताई उन्होंने कि हर जल में क्या हुआ क्या नहीं, बहुत बातें उन्होंने मुझे बताई है पर अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे अभी प्यार याद आता है। मैंने कहा, मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं विश्वास करती हूँ आप पे, अब मेरा विश्वास आप खो चुके हैं, मतलब नहीं है प्यार व्यार का। जब प्यार करना था तभी आपने वार किया, बहुत मिन्नतें मैं आपके आपके सामने करी। अब ये सब डायलॉग मार के मेरे लिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब आप जुलझ रहे हैं इसीलिए आप ये सब बातें। मतलब अगर आपको सच्चाई चाहिए तो आप पुलिस के सामने अपना जो भी जुर्म है कबूल करो, है कि नहीं? जज साहब के सामने करो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं राखी सावंत के बारे में, जिन्होंने आज ही रिवील किया है कि वो कल रात आदिल दुरानी को मिलने के लिए गई थी जेल में। उन्होंने ये बताया है कि उनके कुछ कपड़े घर पर पड़े हुए थे, उनको कपड़ों की जरूरत थी तो मैं उनको कपड़े देने के लिए गई। जबकि कल के एक इंटरव्यू में उनसे जब सवाल किया गया था कि जब आदिल को पकड़ा गया था तब उन्होंने येलो कलर की शर्ट पहनी थी, उसके बाद उनको कपड़े किसने दिए? क्योंकि जब वो कोर्ट में हियरिंग के लिए आए थे तो उनके कपड़े चेंज थे। तनु की जानिब इशारा करते हुए राखी सावंत ने कहा था कि उस पति चोर ने उसको कपड़े भेजे होंगे, लेकिन आज उन्होंने बताया है कि कल शाम को वो खुद दोबारा गई और जाकर जेल उन्होंने आदिल को कपड़े दिए हैं। यहाँ पर आदिल से उनकी बहुत सी बातें भी हुई हैं। आदिल ने उनका हाल चाल भी पूछा और उनको आई लव यू भी बोला है। आदिल ने यह भी कहा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। यहाँ पर राखी सावंत ने कहा कि बहुत सारी बातें हुई हैं जिन्हें मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, कुछ रूल्स भी होते हैं लाइफ के, अगर मैं अभी ये सारी बातें शेयर कर दूंगी तो मुनासिब नहीं है, मुनासिब वक्त पर शेयर करूंगी। यहाँ पर उन्होंने कुछ खुशी का इजहार किया कि कल आदिल के साथ अच्छी मुलाकात हुई लेकिन मैं उसको सजा दिलवा कर रहूंगी, मैं नहीं चाहती कि जेल से रिहाई हासिल करने के बाद फिर से वही हरकतें करे। वो सामने आए मीडिया के आकर एतराफ करे और इसके बाद वो कोर्ट में भी ये बात बोले और प्रॉमिस करे कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सुधर जाएगा और कोई गलती नहीं करेगा, तो फिर मैं शायद सोचूं कि मुझे अपनी आयदा जिंदगी उसके साथ बसर करनी है। तो दोस्तों, इसी इंटरव्यू में मजीद एक रिपोर्टर ने उनसे ये भी सवाल किया कि जब आदिल के आपके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात बोली? तो यहां पर एक बार फिर मुस्कुराते हुए राखी सावंत ने बात को इग्नोर किया लेकिन ये कहा कि आई लव यू बार बार बोल रहे थे और बहुत खुश थे, लेकिन ये कह रहे थे कि राखी मैं यहां पर बहुत पेन में हूं। उन्होंने अपने ऊपर गुजरने वाले तमाम तर वाकयात के बारे में भी बताया और जेल की कठिन जिंदगी के बारे में भी बार बार डिस्कस करते रहे। वल दोस्तों, राखी सावंत कुछ खुश भी थी लेकिन मजीद वीडियोस में आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि राखी सावंत के आदिल दुरानी के साथ और क्या बातें हुई और उन्होंने आदिल दुरानी को वहां पर कैसा पाया। इन सारी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।